की जय। देश में जल जल बिजली इत्यादि सब सड़कों का इतना जान ये सब चीजें हुई हैं और डिजिटल हुआ है, बहुत कुछ हो रहा है। एक आदमी बहुत कुछ कर रहा है, रात दिन कुछ कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो कहते हैं मैं इससे भी ज्यादा करूंगा। इस उम्र में मेरे ख्याल से आई थिंक 72 या 73 के होंगे, लेकिन उनके साथ हमारी फौज होना जरूरी है। हमारे यहाँ अंदर भी पूरे राष्ट्र में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रभक्त हैं लेकिन राष्ट्र देशद्रोही बहुत अधिक है। उन पर लगाम कसनी पड़ेगी, ऐसे नियम बनाने होंगे और उसे किसी भी एन गेन प्रकार उनको दबाना पड़ेगा, तभी हमारा ये वर्चस्व रह सकता। मुझे और नहीं ज्यादा अपने अस्तित्व की रहती है। हम चले जाएंगे, मेरे साथ जितने हैं ये नहीं देखेंगे ये वाली बातें, लेकिन आप सोचिए हमारी संततियां, हमारे देश के कई वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण की आहुति दी, तब जाकर हम आज कई खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज भी हमारे बहुत से वीर सैनिक हैं जो बॉर्डर पर खड़े हुए हैं और हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं। पता नहीं चलता कब किसके घर में मतलब खबर आ जाती है कि आज फलाने का बेटा शहीद हो गया है, आज उत्तराखंड का हो गया है, आज मध्य प्रदेश का हो गया। के साथ मैं एक वाक्य बताना चाहती हूँ कि एक क्लास में एक मास्टर जी बच्चों से पूछते हैं कि तिरंगे के रंग कितने हैं। एक बच्चा बोलता है 3 रंग है, दूसरा बच्चा बोला 4 रंग है, तो मास्टर जी ने कहा ठीक है 1 रंग चक्र का है। परंतु एक बच्चा उठा, उसने कहा तिरंगे में 5 रंग है, 1 रंग खून का है, जिसमें मेरे पिताजी जिस तिरंगे में लिपट कर खून से लखपट होकर आए थे वो 5वां रंग रक्त का है, रक्त रंजित। हमें उन सभी देशवासियों को, उन सेनाओं को, तीनों सेनाओं का हमें आभार प्रदर्शित करना है, ये बहुत जरूरी है। और इन बच्चों में देशभक्ति की भावना को अग्रसर करना, पढ़ाना, ये हमारा कर्तव्य है। सिर्फ भाषण देने से कुछ नहीं होगा, हमें ये बुलाकर शिवाजी की, छत्रपति शिवाजी किया था, बहुतों ने आक्रमण किया। सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश पे इतने आक्रमण होते क्यों रहे हैं, इसका कारण क्या है? ये देश मेरा भारतवर्ष ये सदियों से अपार संपदा का, प्राकृतिक संपदा का महान है। यहाँ तक कि इस देश के अंदर कोई चीजें होती थी जो दुनिया में कहीं भी उपस्थित नहीं थी। लाइटें कैसे जो इस देश में थी दुनिया में कहीं भी नहीं थी, जो एस्ट्रोलॉजी के लिए जीव करते थे। यहाँ तक कि नील की खेती भी यहाँ होती थी, दुनिया में कहीं भी नहीं थी। इसलिए इस देश को तोड़ने की क्रिया कहा जाता है। जहाँ पर इतनी अपार संपदा हो उसको लूटने के लिए ये आपको विदित है।